नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों जैसे कि हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उत्तराखंड PCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं। और दोस्तों अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो हेल्प करेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो कि 3 अप्रैल को है। और एक आज मैं दोस्तों आपको लास्ट में वीडियो के एंड में एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम को हमने अटेम्प्ट करना है, क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है या थी भी 2016 में और क्या रह सकती है। तो हमें दोस्तों ये नहीं है कि 150 क्वेश्चन है तो हमने 150 के 150 अटैम्प्ट करने हैं। तो हमारा एक माइंड सेट रहेगा कि हमने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग है और आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो आई होप आप सभी क्वालिफाई करें और मेंस के एग्ज़ाम में बैठें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमने कल भी किया था, इसका आप मेरे को आंसर बताना कि क्या है इसका आंसर। और आज की वीडियो का हमारा ये मकसद रहेगा दोस्तों कि हमने सिर्फ मैं आंसर आपको बताऊंगा, जो क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर बताऊंगा, ऑप्शन भी पढ़ूंगा, बट आपका क्या काम रहेगा मैं उसमें क्वेश्चन जो पूछूंगा आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए या खुद ही रिवाइज कर लीजिए अपने माइंड में ताकि आपको ये हेल्प कर सके। तो जो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया। फर्स्ट इज कृष्णा रिवर, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी है महानदी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है गोदावरी, ठीक है, दक्षिण गंगा भी कहते हैं जिसको। तो कृष्णा रिवर का ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है ये तो आपको पता चल ही गया, महाबलेश्वर है। नर्मदा का क्या है, अमरकंटक प्लेट्यूज। महानदी तुम्हारी उड़ीसा में है और इसका आंसर आप बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इज इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ इरिगेशन परसेंटेज। तो आंसर इज राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी है मध्य प्रदेश। जो राइट आंसर है वो है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सैटेलाइट सीरीज विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर टेली कम्युनिकेशन सिस्टम इज, ऑप्शन ए रोहिणी, बी IRS, सी कार्टोसेट, डी इनसेट। तो जो राइट आंसर है वो आपका इनसेट है। तो आपने दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, IRS रोहिणी और कार्टोसेट कब कब लॉन्च किए गए और इनसेट कब लॉन्च किए गए हैं ये आपने बताना है, या खुद ही रिमाइंड कर लो या कमेंट बॉक्स में कर लो जो आपको सुटेबल लगता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दक्षिण गंगोत्री। तो जो हमारे अंटार्कटिक ओशन में जो हमारा रिसर्च स्टेशन है वो क्या है, दक्षिण गंगोत्री नाम है, मैत्री भी है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया, दक्षिण ये इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिक। तो दोस्तों आपका जो इसमें क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो हमारा आर्कटिक क्वेश्चन आर्कटिक में है तो आर्कटिक में क्या, आर्कटिक में भी हमारा क्या है रिसर्च स्टेशन है या नहीं है, अगर है तो किस नाम से, किस नाम से है। तो ये आंसर आपने मेरे को बताना है या खुद ही रिमाइंड कर लो। अगला क्वेश्चन, द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज। तो जो तमिलनाडु की कोस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, क्या किस नाम से जाना जाता है। नंबर एक सिरकर कोस्ट, बी कोंकण कोस्ट, सी मालाबार कोस्ट, डी तुम्हारा कोरोमंडल कोस्ट। तो राइट आंसर है वो है कोरोमंडल कोस्ट। तो दोस्तों इसमें आपने क्या बताना है कि मालाबार कोस्ट कौन से स्टेट का है, कोंकण कोस्ट किस स्टेट से टच करता है, सिरकर कोस्ट किस स्टेट से। और एक और चीज़ है कि मालाबार जो कोस्ट है उसी के नाम पर एक हमारी एक्सरसाइज भी होती है, तो उस मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स रिसीव वाटर फ्रॉम द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट से जो स्टेट वाटर रिसीव करते हैं वो है राइट आंसर आपका हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ ए स्टेट। आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 165 एंड डी आर्टिकल 166। जो राइट आंसर है वो आपका 164 है। आपने इसमें बताना है मेरे को कि आर्टिकल 163 में क्या आता है, आर्टिकल 165 में क्या आता है और आर्टिकल 166 में क्या आता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम द उत्तराखंड, या ये कह सकते कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं।
तो जो ऑप्शन है ए है 4, B 5, C 6, D 7। तो राइट आंसर 5। इसी के बेस्ड पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आपके जो राज्यसभा में उत्तराखंड से कितनी सीटें हैं, या उत्तराखंड में राज्यसभा से कितने मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो होगा 3 या 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी नॉमिनेटेड मेंबर आर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड इन 2016। देखो, कई बार क्या होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं भी होते हैं, बट उत्तराखंड में आपको अगर ये पता है कि कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इसका आंसर आप डेफिनेटली राइट कर सकते हो। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर एक ही है उत्तराखंड में, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीटें हैं 71, तो उसमें से 1 जो सीट होती है वो लेजिस्लेटिव, एक नॉमिनेटेड सीट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो भी है, द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ लोकेटेड इन। जैसे कि ये मैक्सिमम यूपीएससी एस्पिरेंट्स का सपना होता है कि लवासना में जाना है। आई होप कि आप लोग भी कभी ना कभी लवासना में जाएं, ऐसे घूमने के पर्पज़ से ही। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप एक IAS IPS बने, लवासना में जाएं, ट्रेनिंग लें। तो लवासना का जो लोकेटेड है वो कहाँ पर है, तो ये हमारे उत्तराखंड में ही है, तो ऑप्शन ए तो बनता ही है गलत और डी बनता है गलत। तो जो बी है नैनीताल, सी है मसूरी। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, मसूरी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑप्शन ए श्री ए पी नवानी, बी श्री ए के दास, सी लेफ्टिनेंट जनरल GS नेगी एंड लेफ्टिनेंट जनरल MS भंडारी। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए AP नवानी। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लेडी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। ऑप्शन ए MS कमला बेनीवाल, मिस मृदुला सिन्हा, ये भी मिस कमला बेनीवाल, मिस मार्गरेट आलवा एंड मिस शीला दीक्षित। शीला दीक्षित आपकी दिल्ली की है, तो ये आपको थोड़ा बहुत, हमारे पास क्या होता है कि ऑप्शंस होते हैं जो हमें पता होते हैं, तो उससे हम उनको हटाकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। बट जो इसका राइट आंसर है वो है सी ऑप्शंस, मिस मार्गरेट आलवा, मेर मार्गरेट आलवा। ठीक है, तो अगर इसमें क्वेश्चन आ सकता है तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फर्स्ट आपके गवर्नर कौन थे उत्तराखंड के, तो वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। अगर हम लेडी गवर्नर की बात करते हैं तो लेडी गवर्नर में फर्स्ट लेडी गवर्नर कौन थी आपकी, मार्गरेट आलवा। इसीलिए इसको, इनको क्या कहते हैं, लेडी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ये हिंदी में भी आप देख सकते हो, जो मैंने अभी तक डिस्कस करे हैं ये सारे हिंदी में हैं। अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स आर कंसिडर नेसेसरी टू प्रमोट यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी इन द इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन एंड रीजनल काउंसिल, यूनिटरी जुडिशरी सिस्टम एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, क्योंकि देखो इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये एक यूनिटी और अमंग डाइवर्सिटी का एक पार्ट है, जो फेडरलिज्म का पार्ट है। ठीक है, फेडरलिज्म यानी कि ऊपर से नीचे तक इसमें काम चल रहा है। फाइनेंस कमीशन हमारा एक इंटीग्रिटी पार्ट है, जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, या और यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम, ये सारे ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सारे हमारे एक यूनिटी दिखाती हैं, जो हमारी पूरी डाइवर्सिटी है इंडिया में, उसमें ये जो बॉडीज़ हैं वो क्या करती है, एक यूनिटी दिखाती है हमारे इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट ऑफ जम्मू। ये सब हट चुका है अब, जो राइट आंसर है इसका वो है आर्टिकल 370। ईजी है, तो इजी वाले को तो हमें करना ही करना है, क्योंकि ये सभी बच्चे इस आंसर को क्या करते हैं, सही जवाब देते हैं, तो इससे हमारी मेरिट क्या हो जाती है, अप हो जाती है। तो हमें ये तो सही करने ही करने हैं, बट वो क्वेश्चन भी सही करने हैं जो मिनिमम बच्चे क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर OBC इज़ मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल्स।
आर्टिकल 13, 14, आर्टिकल 14, 15, 15, 16 एंड आर्टिकल 17, 18। जैसे कि हमारा 13 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी है, तो जो 15 और 16 है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 15 में क्या है कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और जो 15 का फोर्थ बताता है वो क्या करता है कि हमें एक प्रोविज़न दे सकते हैं रिजर्वेशन का, जो हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए। ठीक, 16 में क्या कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और फोर्थ में क्या कहेगा कि जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेशल रिजर्वेशन दे सकते हैं कि इसमें अंडर आर्टिकल 16 के 14 में इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो गया वो इसका हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नहीं विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल ऑप्शन ए है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 20, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 19, 20 और 22 क्या है ये आप मेरे को बताएंगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेपरेट शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो सेपरेट शेड्यूल ट्राइब्स अंडर किस आर्टिकल के अंडर बनाए गए हैं, आर्टिकल 337, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ए, आर्टिकल 340, ऑप्शन डी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 330 का ए, जो कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2003 में ऐड किया गया शेड्यूल ट्राइब्स को एक सेपरेट कमीशन के रूप में। ठीक है, इससे पहले 338 में ये आता था जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डिमांड फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूएनओ इज मेनली रिलेटेड टू। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम सार्क मीट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सार्क की फुल फॉर्म क्या है, तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इस्टेब्लिश कब किया गया, 1985 में ढाका में। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कि इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं। ठीक है, वो मेरे को आप बताओगे कितने मेंबर, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें मेंबर हैं। ठीक, अब इंडिया में जो फर्स्ट टाइम इसकी ऑर्गेनाइज्ड करी गई मीटिंग वो किस में करी गई, 1986 में, इसका राइट आंसर है। ठीक, अब लेटेस्ट जो मेंबर था इसमें ऐड कौन सा किया गया, 88 जो 8th था, तो वो था अफगानिस्तान इन 2007। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, इन द ईयर ऑफ 1997 द वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। इसका देखो दोस्तों, अगर तुक्का लगाना होता तो हम कई बार, हमें जो दूसरी नॉलेज प्राप्त रहती है या दूसरी नॉलेज रहती है क्वेश्चंस की या किसी भी टॉपिक की, तो हमारे पास क्या होता है कि दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम उसको यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मेरे को ये ध्यान था कि क्योटो प्रोटोकॉल हमारा 1997 में हुआ था, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो हमने क्योटो प्रोटोकॉल पर कर दिया। तो क्योटो क्या है, जापान की एक सिटी है जिसके नाम पर ये प्रोटोकॉल हुआ था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई थी 1997 में रियो डी जेनेरियो में, 1992 में जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यूएन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया कंटेंस नो फर्स्ट यूज, यूनिलैटरल मॉरेटोरियम, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस। तो ये सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही है। हमारे न्यूक्लियर के रिलेटेड हमारी जो क्या है पॉलिसी है वो यही है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। दैट्स हु कॉइंड द टर्म ब्रिक्स इन 2001। तो 2001 में ब्रिक्स का जो नाम लिया गया वो किसके थ्रू लिया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिम ओ'नील। तो सबसे पहले ये ब्रिक की था, तो जो इसमें साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया 2010 में,
ठीक है, तो उस टाइम पे जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी ये आप बताओगे मुझे। मैं 2010 पूछना था कि साउथ अफ्रीका को कब ऐड किया गया, पर वो मैंने खुद ही बता दिया, तो आप इसका राइट आंसर बताओगे मेरे को कि कौन सी कंट्री में उस टाइम पे हमारी मीटिंग हुई थी। तो जो अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फेज ऑफ लिबरलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया अंडर द रीमो। तो जो लिबरलाइजेशन हमारे इंडिया में लाया गया वो 1991 में लाया गया था। उस टाइम पे हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2 टाइम्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिकग्नाइज एज नेशनल पार्टी इन 2016। तो 2016 में जो नेशनल पार्टी के रूप में रिकग्नाइज करी गई वो थी हमारी दीदी की पार्टी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स डिस्क्राइब द पार्टी सिस्टम प्रिवेलिंग इन इंडिया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एज वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। तो जो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है वो एक स्कॉलर थी जो जिन्होंने ये बताया कि ये वन पार्टी डोमिनेटेड सिस्टम है इंडिया में। ठीक है, तो वो थी रजनी कोठारी, इन्होंने बताया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हु रिकग्नाइज, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 के लगभग थे हम, आर्टिकल ये हो चुका है, राजीव ये पी वी नरसिम्हा राव टीएमसी है, इसमें रजनी कोठारी है। तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। जो इसमें अशोक मेहता कमेटी है उन्होंने हमें बताया था कि न्याय पंचायत को क्रिएशन किया जाए। तो सरकारी कमीशन ने इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में बताया था। ठीक, और इससे पहले एक क्वेश्चन रह गया हमारा, हु रिकोगनाइज द पोलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो पोलिटिकल पार्टीज़ को रिकोगनाइज कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमारे UKPSC में आते हैं, ये हिंदी में देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मैंसन इन, ये स्टेट लिस्ट में है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही था, वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कट ऑफ कितनी जाती है। कट ऑफ अगर हम पिछले साल 2016 में देखें तो 182 आपकी मेन की गई थी जनरल कैटेगरी में। तो बाकी मैं बताऊंगा आपको कि किसकी कितनी गई थी, एक स्पेशल वीडियो मैं कट ऑफ के लिए लाऊंगा आफ्टर एग्ज़ाम, या एग्ज़ाम से पहले मैं ये वीडियो ले आऊँगा। बट दोस्तों जो हमारा अटैम्प्ट करने का जो मेन मकसद रहता है वो रहता है नियर अबाउट हम 100 क्वेश्चन कर लें, यानी कि 200 मार्क्स अगर हम गेन कर लेते हैं तो ये हमारा एक सेफ स्कोर रहता है और हम ये कह सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई हो जाएगा और हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो 100 से ज़्यादा हमें ये भी नहीं है कि अगर आ रहे हैं, अगर हम डेफिनेटली खुद श्योर हैं कि हमारे को 100 से ज़्यादा आ रहे हैं तो हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर हमने कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि यार इस बच्चे ने इतने कर लिए या इसने इतने कर लिए होंगे, तो हमें अपना माइंड सेट रखना है कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट नहीं करने, क्योंकि 200 इज़ मोर देन सफिशियंट हो जाएगा इस एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।